हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, आपने 24 दिसंबर 2018 की मंडे नाइट रॉ की एपिसोड तो देख ही ली होगी, जहां पर हमें काफी अच्छे अच्छे सेगमेंट्स और मैचेस भी देखने को मिले। लेकिन गाइस, आप सबने आज देखा होगा कि हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला था, जो था डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस फिन बैलर के बीच। और आप सबने देखा होगा कि इस मैच में फिन बैलर ने हरा दिया ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर को। बट गाइस, WWE इससे भी बड़ा कुछ प्लान कर रही है फिन बैलर के लिए। तो वो क्या प्लान है, उसके बारे में हम सब बात करेंगे कुछ देर के बाद। उससे पहले नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ चीजें जो कन्फर्म हो चुकी है। इसके अलावा एक WWE सुपरस्टार की रिटर्न, जो हमें WWE में काफी जल्द ही देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी रिटर्न के बारे में। हम सब जानते हैं कि WWE ने ये टीज किया है कि हमें केविन ओवेंस का रिटर्न WWE में काफी जल्द देखने को मिलने वाला है। और गाइस, आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में WWE ने उनके पार्टनर सैमी ज़ेन का रिटर्न भी अब टीज कर दिया है। यानी कि अब हमें सैमी ज़ेन भी काफी जल्द अपनी WWE में वापसी करते हुए दिखेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि हमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोनों एक साथ ही WWE में आते हुए दिखे। इसलिए अब देखना होगा कि दोनों अपना एक साथ रिटर्न करते हैं या फिर नहीं। सो गाइज, ये तो थी सैमी ज़ेन के रिटर्न के बारे में अपडेट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में कि कौन कौन सी चीजें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए कन्फर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें नेक्स्ट रॉ में एक स्टील केज मैच देखने को मिलेगा, जो होगा ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर के बीच। इसके अलावा WWE ने यह भी कंफर्म कर दिया कि हमें जॉन सीना न्यू ईयर में रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर अपना रिटर्न करते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बता दूं कि हमें सेंटा के रूप में विंस मैकमैन देखने को मिले थे, जहां पर उन्होंने ये चीजें अनाउंस की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें काफी जल्द वुमेन्स का भी टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। यानी कि ये चीज अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। सो गाइज, ये तो थी वुमेन्स की टैग टीम टाइटल्स। इसके अलावा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है फिन बैलर से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फिन बैलर है फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन उन्हें सोल्जर इंजरी के कारण अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी। और उस समय ऐसा देखकर लग रहा था, अगर फिन बैलर इंजर्ड नहीं होते तो WWE उन्हें एक मेन इवेंटर के रूप में देख रही थी। लेकिन जब से फिन बैलर ने अपना WWE में फिर से रिटर्न किया है, तब से WWE ने फिन बैलर को उतना कुछ खास मौका नहीं दिया है। बट मैं आप सबको बता दूं कि ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि फिन बैलर को एक काफी जबरदस्त पुश मिलने वाला है, और वो हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए या फिर WWE चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि हमें फिन बैलर स्मैकडाउन लाइव में जाते हुए दिख सकते हैं। बट फिन बैलर के फैंस के लिए यही अच्छी बात है कि उन्हें WWE फिर से मौका देने के बारे में सोच रही है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या फिन बैलर को फ्यूचर में यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर WWE चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है या फिर नहीं। सो गाइज, यही थे वो फिन बैलर के फ्यूचर प्लान्स। इसके अलावा गाइज, आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप फिन बैलर को फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर नहीं। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।